उसे मारा नहीं, बस बेहोश किया है। ले जा बुढ़िया इसको, मैं इन सबकी यादें मिटा कर आती हूँ। सबकी यादें मिटा के? हाँ जी। आलता कैसे गिर गया यहाँ पर? वो आंटी छोटी माई के हाथ से गलती से गिर गया था। मैं अभी साफ कर देती हूँ, जल्दी कर दो। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी ताकत कमजोर क्यों होती जा रही है? कहीं वो कौड़ी कोई नई साजिश तो नहीं रच रही? नहीं, पहले के सकू अपनी ना कड़ाए हमारे काम में, हमें जल्द से जल्द ये सब निपटाना होगा। छोटी माई, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं। अगर मेरा पत्थर नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। जो तुम ढूंढ रही हो वो यहां हमारे पास है। हरकत का नतीजा बहुत बुरा होगा। अच्छे या बुरे के लिए नहीं, ये लड़ाई हम अपने सुहाग के लिए कर रहे हैं। क्यों किया तुमने ऐसा?
सिंदूर, मंगलसूत्र और सुहाग को तुम बहुत मामूली समझ रही थी ना, असल में वो तुम्हारी बुरी शक्तियों के आगे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हमारे सुहाग में भगवान का आशीर्वाद है और भगवान के सामने हर शैतान मामूली होता है। अब तेरा अंत आ गया है ऋषिका। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? छुपा रही है? अरे हम अपनी सखू से काहे छुपाएंगे? और ये देखो हमरे तो दोनों हाथ खाली हैं। अरे कचु नहीं है तो फिर आप यहां क्या कर रही? हम तो अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। वही ढूंढ रहे थे, यही थी, यही। आपकी अंगूठी हमारे कमरे में क्या कर रही थी? अब सकू तू तो एकदम जासूसी नानी बनी हुई है। अरे सुबह आए थे तो गिर गई, अब वही तो ढूंढ रहे थे हम। ईद कहाँ है, बस देख रहे। अच्छा ठीक है, हम भी ढूंढ लेते। देखो मिल गई, यही थी। अब हमारी नजर भी ना एकदम कमजोर हो गई है, सामने पड़ी है और दिखाई ना दे रही है, गजब। चलो ठीक है ना, मिल गई। छोटी माई, आपने बताया हमें वो दूध दिया था? हाँ, कुछ मसाला डाल के उससे कुछ अच्छा सा लगा था हमें। आप वो बना देंगे? हमें ना थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है, चक्कर सा आ रहा है। कमजोरी? अरे सको, कमजोरी का है लग रही है? अरे हम अभी जा करके मसाले वाला दूध बना कर लाते हैं, आराम कर तू। हाँ छोटी माई, नींबू जी, गर्जी रुकी। इस गौरी को मार दो गर, मार दो उसे। जी की जान बचाने के लिए हमें रक्षा कवच लाना ही होगा। मेरे पास आओ गर्व,
और करीब आओ गर्ल, और करीब। इसका मतलब इस घर में जादू टोना हो रहा है। अब हम समझे हमारी तबीयत खराब होना, कमजोरी आना, चक्कर आना, इस सब के पीछे किसका हाथ है। इसका मतलब वो दो टके की बुनकर हमारे घर में हम पर जादू टोना कर रही है। अब ये गौरी हमसे नहीं बच पाएगी। गौरी, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। अरे हीका, सकु तो खुद ही ऋषिका के कमरे की तरफ जा रही है। अच्छा है, खुद ही पता कर लेगी कि वो डायन है कि ना है। बिंदा, ये जोकर की तरह क्यों घूम रही हो? हा? अरे ये का दे रही है? उपाय नंबर 44। डायन का मुकाबला आत्मा बनकर किया जा सकता है, तो हम आत्मा बने हुए हैं। बिंदा, तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। लगता है किसी दिमाग के डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो, क्या वो आ गए? उनको हमारे ऑफिस में बिठा कर रखो, हम अभी आ रहे हैं। बंद करो ये सब, समझाइए कुछ। हाँ हाँ सकू, हम समझा देंगे। एक बार घर मेरे पास आ जाए, उसके बाद गौरी की मौत गर्व के हाथों ही होगी। तेरा पति ही तेरा हत्यारा बनेगा गौरी। Gotcha.
ने जो हरकत की है उसकी वजह से तुम्हारी आंखों के सामने गर्व को इसी वक्त मैं हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। की रक्षा के लिए कैसे भी करके दहलीज पार करनी होगी। मदद कीजिए भोले ना। तुम्हारे सुहाग को तबाह कर दूंगी।
बच्ची है भोलेनाथ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.